गुजरात के मोरबी में जो हादसा हुआ उससे पूरा देश हिला हुआ है। वहाँ के न्यूज़ देख के इतने लोग मासूम लोग मारे गए, मासूम बच्चे मारे गए, उसको देख के पूरा देश हिला हुआ है। पिछले 2 दिन में जो तथ्य सामने आए हैं उससे ये साफ हो जा रहा है कि ये हादसा नहीं हत्या है। मोरबी में जो 150 लोग मारे गए, मासूम बच्चे मारे गए, ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। और इसके पीछे है भाजपा का भ्रष्टाचार। ये हत्याएं जो 150 लोग वहां पुल टूटने से नदी में डूबने से मरे, ये हत्याएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने की हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने भ्रष्टाचार की वजह से की हैं। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से गुजरात के मोरबी में 150 लोगों की जान गई है, मासूम बच्चों की जान गई है। मैं 150 लोगों और मासूम बच्चों के हत्यारे नेताओं और उनकी सरकार से 5 सवाल पूछना चाहता हूं। 5 सवाल। भारतीय जनता पार्टी से मेरा पहला सवाल है कि मोरबी में जो पुल टूटा उसके पुनर्निर्माण का ठेका एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को क्यों दिया गया? एक ऐसी कंपनी को जिसने कभी सिविक वर्क नहीं किए, पुल कोई नहीं बनाया, उस तरह का कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ घड़ी बनाने का एक्सपीरियंस रखने वाली कंपनी को पुल के पुनर्निर्माण का ठेका दे दिया। यह भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि यह क्यों दिया गया। दूसरा कि इतना बड़ा काम और इतना महत्वपूर्ण काम, इतना सेंसिटिव काम, और उसका ठेका ऐसी कंपनी को दिया गया जो घड़ी बनाने वाली थी, वो तो किया ही किया, लेकिन बिना टेंडर के ठेका दिया गया। मोरबी के पुल के पुनर्निर्माण का ठेका बिना टेंडर के दिया गया। एक गैर अनुभवी कंपनी को बिना टेंडर के ठेका क्यों दिया गया? भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दें इस बात का। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार जवाब दे इस बात का कि बिना टेंडर के ठेका क्यों दिया गया मोरबी पुल के पुनर्निर्माण का। फिर जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उनसे समझ में आता है कि ये पुल के पुनर्निर्माण का काम 8 महीने में पूरा होना था, लेकिन किस जल्दबाजी में, कौन सी ऐसी जल्दबाजी थी जिसकी वजह से ये 8 महीने का काम 5 महीने में लीपापोती करके पुल को खोल दिया गया, एक घटिया पुल बना के चालू कर दिया गया? ये मेरा तीसरा सवाल है कि 8 महीने का काम 5 महीने में लीपापोती करके पुल क्यों खोल दिया गया। चौथा सवाल मेरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि ये जो कंपनी है घड़ी बनाने वाली, जिसको बिना अनुभव के ठेका दिया गया, बिना टेंडर के ठेका दिया गया, इससे भारतीय जनता पार्टी ने कितना चंदा लिया है? भारतीय जनता पार्टी ने इस कंपनी से कितना चंदा लिया है? भारतीय जनता पार्टी ने इसके मालिकों से कितना चंदा लिया है? और इस कंपनी के मालिकों की बीजेपी के किन-किन नेताओं से नजदीकी है? भारतीय जनता पार्टी इस बात का खुलासा करे कि मोरबी में जो 150 लोगों की हत्या हुई, उस हत्या के पीछे भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा मिला है, यह बात भारतीय जनता पार्टी बताए। और पांचवा सवाल मेरा यह है कि इतने बड़े हादसे और पूरे देश में, पूरी दुनिया में यह मुद्दा उठ रहा है, इतने बड़े हादसे के बावजूद जो FIR दर्ज की गई है उसमें उस कंपनी और उसके मालिकों का नाम तक नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड, नीचे के कर्मचारी, मजदूर, इन लोगों के खिलाफ FIR की गई है, कंपनी के मालिक के खिलाफ FIR नहीं की गई, कंपनी के नाम से FIR नहीं की गई। वहां के सिक्योरिटी गार्ड और वहां के मजदूरों के खिलाफ, वहां के छोटे कर्मचारियों के खिलाफ FIR की गई है। किसका दबाव है? किसके दबाव में कंपनी के मालिकों और कंपनी के खिलाफ FIR नहीं की गई? इन 5 सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने होंगे। ये 150 लोगों की मौत हादसे में नहीं हुई, हत्या में हुई है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं। थैंक यू। सर, आज बीजेपी ने एक आरोप लगा दिया, सुकेश चंद्रशेखर कॉनमैन ने दावा किया है कि जो
सतेंद्र जैन है, उनको उन्होंने एक्सट्रॉशन मनी मांगी थी 10 करोड़ के लेन देन की बात भी। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कारनामों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से पूरे देश में गुजरात की थूथू हो रही है, गुजरात सरकार की थूथू हो रही है। पूरे देश में सवाल पूछा जा रहा है कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी यही भ्रष्टाचार कर रही थी वहां पे। अब 2 दिन से जब इतनी थूथू हो रही है तो इससे ध्यान भटकाने के लिए इनको कुछ तो करना था बेचारों को। तो ले आए एक गैंगस्टर शरणम गच्छामी जाके, उसका कोई चिट्ठी लिखवा लाए किसी गैंगस्टर से। पंजाब में आप लोगों के आंकड़े से पराली कम हुई है, बट अभी जो एनवायरनमेंट रिसर्च सेंटर है मॉनिटरिंग का, वो कह रहे हैं पंजाब में पराली के आंकड़े बढ़े हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे पास नहीं है रिसर्च। दिल्ली में इस वक्त पॉल्यूशन को लेकर एक्यूआई देखिए वो लगातार बढ़ रहा है, उसका असल में कारण क्या है? क्योंकि हर साल से स्थिति देखने को, असल कारण सबको पता है, अभी साफ सफाई ठीक से करा दो धूल भी बंद हो जाएगी, और ईवी व्हीकल जिस तरह के लाए गए हैं उससे नीचे आ रहा है कार्बन। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव से पहले किस मुंह से चुनाव में जाएगी, इन 5 सवालों को गुजरात का एक एक आदमी पूछेगा कि 150 लोगों की हत्या क्यों कराई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मासूम बच्चों की हत्या क्यों कराई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। इनको लग रहा है गैंगस्टर की चिट्ठियों से इस तरह के चुनाव से पहले किए गए कि उससे चुनाव जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार गुजरात की जनता इन 5 सवालों के बीच पर वोट करेगी।